जय गुरुदेव। परमार्थी के लिए तीन जरूरी बातें, तीन बातें बहुत आवश्यक है जिसे प्रत्येक को ध्यान में बराबर रखना चाहिए। सब कोई इसे नोट कर ले। जब आपने परमार्थ में कदम रखा है तो यह आवश्यक है कि इन बातों को अपने जीवन में नित्य प्रति आप घटाते चलें। पहली बात यह है कि अपना खोया हुआ विश्वास वापस लाओ, अपने पर विश्वास रखो। यह पहली बात। जो कुछ तुम्हारे प्रारब्ध में है तुम्हें अवश्य मिलेगा, केवल तुम्हें हाथ पैर थोड़ा हिलाने की आवश्यकता है। चीजें तुम्हें वही प्राप्त होगी जो तुम्हारे भाग्य में है, यह बिल्कुल निश्चित है। उसमें जरा भी कमी नहीं हो सकती। जिस दिन से तुम पैदा हुए तुम्हारा वाउचर कट गया, उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने तुम्हारा सारा हिसाब लिख दिया। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। किसी की हस्ती नहीं कि उसे एक इंच इधर या उधर कर दे। फिर तुम क्यों परेशान होते हो भाई? पहली बात कि अपने पर विश्वास रखो। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे कर्मानुसार तुम्हारी एक एक श्वासों का हिसाब है। जो भी दुख या सुख तुम्हारे जीवन में आते हैं उसे तुम्हें अवश्य भोगने पड़ेंगे। तुम उनसे बच नहीं सकते। यह कर्मों का देश है। कर्म के अनुसार फल तुम्हें भोगने पड़ेंगे। किसी के पास लाखों रुपए हैं, बंगले हैं, नौकर चाकर है, मोटर है, मान प्राप्त है, और दूसरी तरफ एक के पास केवल इतना ही है कि किसी प्रकार दोनों वक्त की रोटी मिल जाती है। सत्संग में बहुत से ऐसे हैं जो 85 रुपए पाते हैं, बहुत से 100 रुपए पाते हैं, या 125 या 150, मगर खर्च सबका चल जाता है। बच्चे भी हैं, परिवार भी बड़ा है, फिर भी इतनी कम तनख्वाह में काम चल जाता है। भूखा कोई नहीं मरता। जरा सोचो तो यह सब कैसे हो जाता है? तुम्हारा प्रारब्ध निश्चित है। महात्मा तुम्हारी जरूरत को देखते हैं, और अगर तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है तो वे अपनी दया से उसमें थोड़ा जोड़ देते हैं। महात्मा या समर्थ हस्तियां ही इस कार्य को कर सकती है और कोई नहीं। तो यह पहली बात कि अपने आप पर विश्वास रखो। दूसरी बात यह है कि महात्मा में विश्वास रखो। आपको एक घटना बताऊं। एक महात्मा जी थे, एक जंगल में रहते थे। लोगों में शोर था कि बड़े अनुभवी महात्मा हैं और परमात्मा का दर्शन भी कराते हैं। एक आदमी को मालूम हुआ और वह महात्मा जी के पास पहुंचा। पूछा कि महात्मा जी, सुना है कि आप परमात्मा का दर्शन कराते हैं, क्या यह सच है? महात्मा जी बोले कि हाँ बेटे, बात तो सही है। फिर वह आदमी बोला कि मुझे भी परमात्मा का दर्शन कराइए। महात्मा जी ने कहा कि ऐसे नहीं, पहले गुरु दक्षिणा देनी होगी। फिर वह आदमी बोला कि मैं तैयार हूँ, आप क्या मांगते हैं? महात्मा जी ने उसके शरीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम इस तन और मन को मुझे दे दो। तन और मन से संबंधित तो सभी चीजें हैं। अगर किसी ने तन और मन दे दिया तो उसने सब कुछ दे दिया। महात्मा जी ने कहा कि 24 घंटे में से 2 घंटे के लिए तुम्हारा तन और मन को चाहता हूँ। शिष्य तैयार हो गया और बोला कि मैं तैयार हूँ, मुझे परमात्मा का दर्शन कराइए। महात्मा जी अपनी कुटिया में गए और एक बहुत ही पुराना जंग लगा हुआ एक चिमटा उठा ले आए और शिष्य को देते हुए बोले कि बेटे, इस चिमटे को रोज 2 घंटा साफ किया करो। आज से ठीक 21वें दिन तुम्हें परमात्मा का दर्शन होगा। दूसरे दिन शिष्य महात्मा जी से बोला कि महात्मा जी, अभी तो परमात्मा के दर्शन मुझे नहीं हुए। महात्मा जी ने कहा कि अरे भाई, अभी आज दूसरा दिन है, मैंने तो 21वें दिन के लिए कहा है। 3 दिन और बीत गए
और वह शिष्य फिर अधीर हो उठा, बोला कि महात्मा जी अभी तक दर्शन नहीं हुए। महात्मा जी बोले कि अरे बेटे, अभी तो आज पांचवा दिन है, चिमटा साफ करते रहो, 21वें दिन परमात्मा के दर्शन होंगे। वह आदमी बराबर 3-4 दिनों के बाद महात्मा जी से कहता रहा कि अभी दर्शन नहीं हुए, और महात्मा जी उसको 21वें दिन की याद दिलाते रहे और बराबर कहते थे कि चिमटा साफ करते रहो। तीसरी बात, आज्ञा का पालन करो। आखिर 21वें दिन उसने फिर कहा कि महात्मा जी आज भी दर्शन नहीं हुए। महात्मा जी ने जवाब दिया कि आज दर्शन अवश्य होंगे, चिमटा कहाँ है, ले आओ। चिमटा चमाचम चमक रहा था। महात्मा जी ने चिमटा उसे देते हुए कहा कि इसको अपने सामने करके देखो। शिष्य ने देखा तो उसको उसकी शक्ल साफ साफ नजर आ रही थी उस चिमटे में। महात्मा जी फिर बोले कि बैठ जाओ और आंखें बंद करो। शिष्य ने जब दोनों आंखें बंद की तो देखा कि सामने परमात्मा खड़ा है। उसे विश्वास हो गया, उसकी दिव्य दृष्टि हो गई। महापुरुष बाहर से सेवा लेते रहते हैं और अपनी दया से अंतर के मेल को धोते रहते हैं। उसने 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे महात्मा को दिए और फिर थोड़ा थोड़ा विश्वास रहा, उसकी आँख खुल गई, वह प्रभु को देखने वाला बन गया। तो महात्मा पर विश्वास रखो, यह दूसरी बात। उनकी बातों पर यकीन लाओ, यह दूसरी बात। फिर थोड़ी रगड़ करो, यह तीसरी बात। उनकी आज्ञा का पालन करो, थोड़ी मेहनत करो, यह तीसरी बात। जय गुरुदेव।